सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर 5 इंडिया क्लाइमेट। बिफोर reading about this chapter, what is difference between weather and climate? Actually, mein weather kuch atmospheric conditions ki study hoti hai, jaise ki temperature, pressure, wind, humidity, rainfall, aur ye sari study hoti hai for short period of time, ek chote samayantaral ke liye, clear? Ek specific time ke liye aur एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 100 ईयर्स, क्लियर? जो कंप्लीट वेदर फिनोमिनन होते हैं उन सभी को ऐड करके हम एक एवरेज निकालते हैं और उसी एवरेज वेदर कंडीशन को जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तो मेजर डिफरेंस ये हो गया कि वेदर डे टू डे कंडीशन होती है, जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, बड़े प्लेस की, क्लियर? वेदर हम अलग अलग प्लेस के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट एक बहुत बड़े पोर्शन के लिए सिमिलर होता है। वेदर बार बार चेंज होता है, डे टू डे चेंज हो सकता है, एक दिन में भी बार बार चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट अनचेंज रहता है फॉर 100 और 1000 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों के ही बारे में हमने पढ़ा था। लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड जिनको हम पैरेलल्स बोलते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड जिनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, क्लियर? किसी भी कंट्री के क्लाइमेट डिफाइन करने के लिए लेटीट्यूड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर? यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज सिचुएटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। आपको पता है कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में, क्लियर? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यू नो वेरी वेल वी हैव स्टडीड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इन दैट वी स्टडीड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर से पास होती है, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे इंडिया के नदर्न पार्ट का क्लाइमेट सदर्न पार्ट के क्लाइमेट से डिफरेंट हो जाता है। इसी वजह से इंडिया के सदर्न पार्ट में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जबकि नदर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। इज दैट क्लियर? ओके, लेटीट्यूड के बाद में आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लियर? यानी कि समुद्र से कोई सा प्लेस कितनी दूर है, ये भी डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा हो, क्लियर? हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 जोन्स में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से 2 जोन्स में? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, क्लियर? लेकिन जो इफेक्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियरली दिखाई देता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में भी टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किसके कारण? ये टेम्परेचर डिफरेंस है डिस्टेंस फ्रॉम द सी के कारण, यानी कि समुद्र से दूरी, क्लियर? जो प्लेसेस सी के क्लोजर होते हैं वहां का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, क्लियर? इट मीन्स वी कैन से दैट कि विंटर्स में वहां का टेम्परेचर मॉडरेट बना हुआ रहता है, यानी कि विंटर्स में वहां का टेम्परेचर हाई रहेगा और समर्स में वहां का टेम्परेचर लो होगा अदर प्लेसेस के कंपैरिजन, क्लियर? और
ये होता है मानसून विंड्स के कारण, जो कि ब्लो होती है सीज के ऊपर से। क्लियर? सी ब्रीजेस जिनको बोला जाता है, सी ब्रीजेस जो ब्लो होते हैं वो टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखते हैं। इट मीन्स जो प्लेसेस सी के क्लोजर होते हैं वहां का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। इट मीन्स ठंड में वहां ज्यादा ठंड नहीं होती है और गर्मी में वहां ज्यादा गर्मी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई एंड मुंबई। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिलीफ फीचर्स। क्लियर? किसी भी कंट्री में रिलीफ फीचर्स या हम कह सकते हैं कि लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोस। क्लियर? और ये जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ये टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी कंट्री की। यू नो वेरी वेल थ्रू द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया हिमालयन माउंटेन रेंज इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? आपको पता है इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री में हिमालयन माउंटेन रेंज फैली हुई है पूर्व से लगाकर पश्चिम तक। ये हिमालयन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड ब्रीजेस आती है, क्लियर, विंटर सीजन में जो ठंडी हवाएं आती है सेंट्रल एशिया से, उन कोल्ड ब्रीजेस को इंडिया में एंटर नहीं करने देती, जिस वजह से इंडिया में विंटर्स में ज्यादा ठंड नहीं गिरती है। और ठंड नहीं गिरती है इस वजह से लोगों की फसलें नष्ट नहीं होती है, लोग सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर? एक फेवरेबल कंडीशन हमें मिल जाती है विंटर सीजन। क्लियर? इसके अलावा जो मॉइस्चर बीरिंग विंड्स होती, जो विंड्स मॉइस्चर को अपने साथ कैरी करके ले जाती, ये विंड्स माउंटेन्स से कोलाइड होकर ही अपर डायरेक्शन में करंट फॉर्म में कहां जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाती है, जहां से प्रेसिपिटेशन के बाद में, क्लियर, प्रेसिपिटेशन के बाद में फिर रेनफॉल होती है। इट मीन्स रेनफॉल के लिए भी रिलीफ फीचर्स, इट मीन्स माउंटेन्स का होना जरूरी है, जो कि विंड्स को क्या करे, राइज करे ऊपर की तरफ, जहां जाकर उनके अंदर प्रेसिपिटेशन हो और उसके बाद में रेनफॉल अवेलेबल। इज दैट क्लियर? यू नो वेरी वेल दैट द लोअर पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सीज फ्रॉम थ्री साइड्स। क्लियर? जो प्लेस थ्री साइड से सराउंडेड हो वाटर बॉडीज के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। क्लियर? और इंडिया का जो निचला पार्ट है इन ईस्ट डायरेक्शन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ डायरेक्शन। क्लियर? तो थ्री साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। क्लियर? तो इस वजह से समर्स में, गर्मी के मौसम में जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है इंडिया के, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ने पर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया। क्लियर? ये जो लो प्रेशर एरिया है ये इंडियन ओशन की विंड्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? आपने देखा होगा हमेशा विंड ब्लो होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। क्लियर? तो ये जो लो प्रेशर एरिया इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में क्रिएट होता है, ये क्या करता है, इंडियन ओशन से विंड्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? इसी वजह से विंटर में ये एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा कोल्डर हो जाता है। क्लियर? गर्मी में तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जनरेट होता है जिससे ये इंडियन ओशन की विंड्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन विंटर में ये एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा ठंडा हो जाता है, इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और हाई प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से इंडियन ओशन का जो एरिया है वो लो प्रेशर होता है जिससे विंड प्लेन्स टू सी चलती। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि गर्मी में जो विंड्स है वो इंडियन ओशन से प्लेन्स की तरफ चलती है और ठंड में जो विंड्स है वो प्लेन्स की तरफ से इंडियन ओशन की तरफ ब्लो होती है। क्लियर? और यही विंड क्या करती है, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालती है जिससे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। क्लियर? अब यू नो वेरी वेल मॉनसून विंड्स जो होती है
अपने साथ मॉइस्चर, इट मीन्स वी कैन से दैट वाटर, रेनफॉल वाटर कैरी करके लाती है। जो प्लेन्स में लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है वो मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे इंडिया में बारिश होती है उन्हीं मॉनसून विंड्स के कारण। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की, जो कि इंडिया के अपर एटमॉस्फेयर में ब्लो करता है। इंडिया का क्लाइमेट न सिर्फ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा जो अपर एटमॉस्फेयर में भी जो जेट स्ट्रीम्स ब्लो होते हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नदरन इंडिया के ऊपर विंटर सीजन में ब्लो होती है। क्या नाम है उस जेट स्ट्रीम का? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और किसके ऊपर से ब्लो होती हुई जाती है? नदरन इंडिया के ऊपर से। क्लियर? रेनी सीजन में ये नॉर्थवर्ड टाइबेटियन प्लेटो के ऊपर से मूव करती है, जबकि विंटर सीजन में ये नदरन इंडिया के ऊपर से मूव करती है। क्लियर? ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप होती है अबाउट 15 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड। क्लियर? या हम कह सकते हैं 50 डिग्री एन। क्लियर? वहां पर जनरेट होती है। ये जो नेचर है इस जेट स्ट्रीम का, ये समर मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स गर्मी में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? इस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। इवन विंटर्स में भी जो बारिश होती है, बिन मौसम बारिश जिसको हम बोलते हैं, वो भी किसके कारण होती है? इसी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। और जब जब कभी ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है किस तरफ? नॉर्थ एंड साउथ, या तो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है या साउथ की तरफ शिफ्ट होती है, तो ये क्या क्रिएट करती है? अनसर्टेनिटी एंड इरेगुलरिटी क्रिएट करती है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इंडिया में मानसून विंड्स की दो ब्रांचेस है। क्लियर? अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर? तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून मीन्स अरेबियन सी ब्रांच। क्लियर? अरेबियन सी ब्रांच की जो विंड्स है उनमें, मॉनसून विंड्स है उनमें अनसर्टेनिटी एंड इरेगुलरिटी क्रिएट होती है। किसकी वजह से? जब ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है नॉर्थ में या साउथ, तो इसका काफी इफेक्ट है इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं मॉनसून विंड्स की। इंडिया ट्रेड विंड्स के बेल्ट में स्थित है। ट्रेड विंड्स का एक बेल्ट है और उसी बेल्ट में इंडिया सिचुएटेड। क्लियर? और इन ट्रेड विंड्स का इफेक्ट इंडिया के क्लाइमेट में क्लियरली दिखाई देता है, विजिबल होता है। हमारी कंट्री में समर सीजन में ये जो विंड है ये सी टू लैंड मास ब्लो करती है। समर सीजन में पढ़ा था हमने प्लेन्स में क्या हो जाता है? लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। क्लियर? इस वजह से वो लो प्रेशर एरिया क्या करता है? इंडियन ओशन से विंड्स को अट्रैक्ट करता है। इट मीन समर सीजन में विंड किस तरफ से किस तरफ ब्लो होती है? सी टू लैंड मास। जबकि विंटर सीजन में इसका अपोजिट होता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से प्लेन्स में हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, और वहीं इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, और विंड हमेशा ब्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस वजह से विंटर सीजन में विंड्स जो है वो ब्लो होती है लैंड मास टू सी, और यही विंड क्या करती है? टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, इन सभी में चेंजेस करती है, जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ऐसी विंड जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ब्लो हो रही है, लेकिन ये जो विंड्स है ये विंटर और समर सीजन में अपने डायरेक्शंस को क्या करती है? चेंज करती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स। क्लियर? ऐसी विंड्स जो ब्लो तो होती है अर्थ के ऊपर, लेकिन विंटर और समर सीजन में अपने डायरेक्शंस को क्या करती है? चेंज करती है। क्लियर? मॉनसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है, और इस अरेबिक वर्ड मौसिम का मीनिंग होता है सीजन। सबसे पहले ये जो वर्ड है मॉनसून, अरेबियन सी, अरब सागर से चलने वाली हवाओं के लिए यूज किया गया, विच ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फॉर 6 months एंड फ्रॉम साउथ वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। क्लियर? ये जो हवाएं हैं ये
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती है 6 महीनों के लिए, और बाकी के 6 महीनों के लिए साउथ से वेस्ट की तरफ चलती है। क्लियर। इन्हीं विंड्स के आधार पर ऐसे रीजन्स जहां पर विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून। से हम बोल सकते हैं कि ऐसी हवाएं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उन्हीं विंड्स को, उन्हीं हवाओं को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। क्लियर। द रीजन्स वेयर मॉनसून विंड्स ब्लो आर कॉल्ड रीजन्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। इट मीन्स ऐसे एरियाज जहां मॉनसून विंड्स ब्लो करती है उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून क्लाइमेट। क्लियर। क्योंकि इंडिया में मॉनसून विंड्स ब्लो करती है इसलिए इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर। और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के सभी रीजन्स में मॉनसून विंड्स ब्लो करते हैं इसलिए इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इज दैट क्लियर। ओरिजिन ऑफ मॉनसून विंड्स। क्लियर। आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर कंप्लीटली किसको डिनोट कर रहा है, वाटर। ये जो ब्लू रीजन है यहां से इसके नीचे वाला जो रीजन है इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड। इंडिया के इस वाले पार्ट में कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया के इस वाले पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर। इंडिया के ईस्ट में, इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दोनों ही सीज है किसके, इंडियन ओशन, यानी कि ये किससे कनेक्टेड है, इंडियन ओशन। और इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। क्लियर। ये 3 वाटर बॉडीज हो गई, इसी वजह से इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर। एक्चुअल में जब समर सीजन होता है, समर सीजन होता है तब यहाँ इंडिया के प्लेन एरियाज में, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्लेन्स इंडिया में क्या है, यहाँ तो ऊपर फिर नदरन माउंटेन्स आ जाएगी, हिमालयन माउंटेन रेंज, यहाँ पर प्लेन्स है। क्लियर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जॉइंट एरिया है। क्लियर। यहाँ प्लेन्स में क्या जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। और इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। क्लियर। तो विंड ब्लो किधर करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो ऐसे ब्लो करती है विंड्स। क्लियर। वहीं इसके अपोजिट विंटर सीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है कहां पर, प्लेन्स में, और यहाँ लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है इंडियन ओशन में। इस वजह से जो विंड है वो किस तरफ चलती है, लैंड टू सी। अब सी 3 है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। क्लियर। इसीलिए आपको विंड की डायरेक्शन, ये विंड कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, ये कहाँ जा रही है, अरेबियन सी में, और ये कहाँ जा रही है, इंडियन ओशन। इज दैट क्लियर। तो जो विंड्स है समर सीजन में वो सी टू लैंड ब्लो करती है, कौन सा सीजन में, समर सीजन में सी टू लैंड ब्लो करती है, और वहीं विंटर सीजन में लैंड टू सी ब्लो करती है। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून विंड्स। क्लियर। मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स, दे ब्लो अकॉर्डिंग टू सीजन। अभी हमने पढ़ा मॉनसून विंड्स क्या होती है, सीजनल विंड्स होती है, वो सीजन के अकॉर्डिंग चलती है। अभी हमने मैप में बात की थी कि समर सीजन में जो मॉनसून विंड्स होती है वो सी टू लैंड ब्लो करती है, और वहीं विंटर सीजन में लैंड टू सी ब्लो करती है। कैसे करती है हमने देखा था। क्लियर। सीजनल विंड्स ब्लोइंग इन समर सीजन आर कॉल्ड द समर मॉनसून, एंड विंड्स ब्लोइंग इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द विंटर मॉनसून। क्लियर। यानी कि जो सीजनल विंड्स चलती है समर सीजन में उनको हम समर मॉनसून बोलते हैं, और वहीं जो सीजनल विंड्स विंटर में ब्लो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विंटर मॉनसून बोलते हैं। यू नो वेरी वेल इंडिया का पेनिनसुलर शेप है। क्लियर। इसी वजह से इंडिया के पेनिनसुलर शेप के कारण इंडिया की मॉनसून विंड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अरेबियन सी मॉनसून विंड्स एंड द बे ऑफ बंगाल मॉनसून विंड्स। कितनी ब्रांचेस है मॉनसून विंड्स के इंडिया में, 2 ब्रांचेस। हाउ मेनी ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, 2 पार्ट्स। क्लियर। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मॉनसून। इज दैट क्लियर। समर सीजन में ये विंड
ब्लो होती है साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, ये जो विंड है समर सीजन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो होती है, और वहीं विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो होती है। क्लियर, इंडिया में रेनफॉल इन्हीं मॉनसून विंड्स के कारण होती है, और सबसे ज्यादा रेनफॉल इंडिया में जो होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होती है वो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज आवर फिफ्थ चैप्टर इंडिया क्लाइमेट। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।